अस्सलाम वालेकुम। हम सब ज़ादी फाउंडेशन से हाजिर खिदमत हैं एक ऐसे घर में, या हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने लगे हैं कि इनका कोई कमाने वाला नहीं है। ये बेवा औरत हैं और इनके बच्चे छोटे हैं। इन्होंने YouTube पे हमारा जो है वो चैनल उसको देखा था, तो ये जो है हमारे तक इनकी दरख्वास्त पहुँची है। तो आप हम इनके घर का हमने विज़िट किया है और आज हम आप के सामने जो है इनसे बात करते हैं। आइए मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? साहबजादी फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फाउंडेशन है और सबसे बड़ी बात कि सादात का फाउंडेशन है। हम इनके नौकरों गुलामों में से हैं और सादात के दर से अगर नहीं मिलना तो फिर कहाँ से मिलना। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हम घर घर नहीं जा सकते हैं, किसी से हेल्प नहीं मांग सकते। ये अल्लाह ताला ने साहबजादी फाउंडेशन को मेरे लिए शायद आसानी के लिए बनाया। बहुत शुक्रिया जी। तो ये कहती हैं कि हम लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, हम घर घर जाके किसी से कुछ ले नहीं सकते, कुछ मांग नहीं सकते, अपनी परेशानी हर किसी को बता नहीं सकते। तो साहबजादी तसर खान ने यहाँ आके इनको जो है राशन प्रोवाइड किया है ताकि ये अपने रोज़े को यकीनी बना सकें, सहर व अफ्तार कर सकें। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास गिफ्ट पैक मौजूद है जो कि अभी हम इनके बच्चों के लिए इनको देंगे ताकि बच्चे जो हैं ईद पे वो कपड़े पहनते तो अपनी ईद की खुशियों को दुबाला कर सकें। ये तो आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये राशन है जो साहबजादी फाउंडेशन की तरफ से इनका खातून को दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है इनकी बच्चियों के लिए हमारे पास जो है ये गिफ्ट पैक मौजूद है, तो ये भी दिए जा रहे हैं। ये लिखे हुए थे। बहुत शुक्रिया साहबजादी।